देखिए आज के स्निटिंग ट्यूटोरियल में सुंदर सा जो है हम बेबी के स्वेटर का डिज़ाइन बनाएंगे। ये स्वेटर का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से बनके तैयार होता है। टोटली 8 फंदों का डिज़ाइन है, यही 8-8 फंदे हमने बार बार दोहराते हुए जाना है, तो हमारा सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन का सैंपल बनाने के लिए 16 स्टिचेस डाले हैं, यानी कि हमारे 8 के जो है मल्टीप्लाई में स्टिचेस जाएंगे। तो हमने ए स्टिच कोई भी नहीं रखा है। अपनी रो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, राइट साइड है हमारी। पहले 5 फंदे हम उल्टे बना देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 धागा पीछे करके एक फंदा सीधा यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। यहाँ तक हमारे 8 फंदों का पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे अपने उल्टे बना लेंगे धागा पीछे की ओर, एक फंदा सीधा जाली डाल के एक सीधा, जाली डाल के एक सीधा। रो फर्स्ट राइट साइड हमारी कंप्लीट होती है, रॉन्ग साइड में जाएंगे रो सेकंड। इस तरीके से हम पहले 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे उल्टे बना देंगे। ये जो हमने यहाँ पे जाली डाली थी उसे भी हमने उल्टा बनाया धागा पीछे की ओर करके। अब हम अपने 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और 5 धागा पीछे की ओर करके 5 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। तो इस तरीके से रो सेकंड रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट होती है। रो थर्ड हम अपनी राइट साइड में आए हैं, इस तरीके से पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 धागा पीछे की ओर करके 1, 2 फंदे सीधे जाली डाल के, एक फंदा सीधा जाली डाल के, 2 फंदे सीधे, 1 और 2 धागा अपनी ओर करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 धागा पीछे की ओर करेंगे, 2 फंदे सीधे जाली डाल देंगे, 1 सीधा जाली डाल के यहाँ पे 2 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। टर्न हो जाएंगे अपनी रो 4 रॉन्ग साइड में जाएंगे, इस तरीके से पहला स्टिच उतार लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे उल्टे बना देंगे धागा पीछे की ओर, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा अपनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे सीधे बना के अपनी रो 4 को कंप्लीट कर देंगे। रो 5th है हमारी राइट साइड है, इसमें पहला फंदा हम इस तरीके से उतारेंगे और 4 फंदे उल्टे बना देंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे की ओर करके यहाँ पे 1, 2, 3 फंदे हमने सीधे बनाए जाली डाल के, 1 सीधा जाली डाल के, फिर 3 फंदे हमारे सीधे जाएंगे, फिर धागा अपनी ओर करके 5 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे जाएंगे, फिर 1, 2, 3 फंदे सीधे जाली डाल के, 1, 2, 3 जाली डाल के, 1 सीधा जाली डाल के, 3 फंदे हमारे सीधे। तो इस तरीके से रो हमारी 5th भी कंप्लीट होती है। अब हम रॉन्ग साइड अपनी रो 6th में जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे अपने पहला फंदा उतारने के बाद 1, 2, 3, 4 ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8
आठ फंदे हमने उल्टे बना दिए, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच धागा अपनी ओर करके, फिर यहाँ पे नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, धागा पीछे की ओर करेंगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे। तो रो सिक्स भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अब हम अपनी रो सेवन्थ में आ चुके हैं। इस तरीके से पहला फंदा उतारने के बाद अपने चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन और चार, धागा पीछे की ओर। अब देखिएगा इस तरीके से हम इसे उतारेंगे, ऐसे टर्न करके दो का एक कर लेंगे, इसके बाद एक दो तीन चार और पांच फंदे सीधे, फिर यहाँ पे इस तरीके से दो का एक कर लेंगे, धागा अपनी ओर, यहाँ पे पांच फंदे उल्टे बना देंगे, सेम धागा पीछे करेंगे, इसे टर्न करके दो का एक करेंगे, फिर एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे और इसे इस तरीके से दो का एक करेंगे, टर्न हो जाएंगे, रो एट रॉन्ग साइड में जाएंगे। पहला फंदा इस तरीके से उतार के एक दो तीन चार पांच और छः फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करके सात फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे। तो इस तरीके से रो एट भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। रो नाइन राइट साइड में आ जाएंगे, पहला फंदा उतार देंगे, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच फंदे हमारे उल्टे, सेम इसे इस तरीके से लेके टर्न करके दो का एक करेंगे, फिर एक दो तीन फंदे हमारे सीधे जाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, इस तरीके से दो का एक करेंगे, फिर एक दो तीन फंदे हमारे सीधे, फिर दो का एक करेंगे। रो नाइन्थ भी कंप्लीट होती है। रो टेंथ में जाएंगे, पहला फंदा उतारने के बाद एक दो तीन चार फंदे हमारे उल्टे, पांच सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे और पांच फंदे सीधे बना के अपनी रो टेंथ को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि रो अलेवेंथ राइट साइड पे आए हैं, पहला फंदा उतार देंगे, इसके बाद एक दो तीन चार फंदे हमने इस तरीके से उल्टे बनाए। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फंदा पहला वाला छोड़ के नेक्स्ट वाला हम इस तरीके से ले लेंगे, पहले वाले फंदे को इस तरीके से सिलाई पे ले लेंगे और इसे उल्टा बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसे बिना बुना उतारेंगे, इसे भी, और यहाँ से ये तीसरा वाला फंदा हम ले लेंगे, इस तरीके से ड्रॉप करेंगे और ये वाला फंदा बैक से हम इस सिलाई पे लेंगे। अब ये जो तीन फंदे हैं इन्हें हम इस तरीके से सिलाई पे डाल देंगे और बैक से पहला और ये तीसरा फंदा इस तरीके से बना देंगे, तीनों को ड्रॉप कर देंगे और सेंटर वाला, ये देखिएगा ये सेंटर वाला लेके इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से, ये देखिएगा। अब धागा अपनी ओर ला के इस फंदे को उल्टा बना देंगे, फिर एक दो
तीन, चार और पांच फंदे उल्टे बना दिए। फिर यहाँ पे भी सेम वही करना है, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से ले लेंगे आप, पहला फंदा इस पे ले लीजिए और दूसरा वाला बैक से ऐसे उतार के इसे उल्टा बना लीजिए। फिर देखिएगा यहाँ पे एक दो, और ये लास्ट वाला ले लेंगे और ये वाला इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर इस तरीके से सिलाई पे वापस डाल के पहले और तीसरे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, गिरा देंगे सिलाई से, बीच वाला फंदा उठा लेंगे इस तरीके से, इसे इसके ऊपर देके इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। ऐसे करके इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। अब ये जो हमारी रो है 12th, एस स्टिच उतारने के बाद सारी रो को हम सीधा सीधा बना देंगे। ये सारी रो 12th आपने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर देनी है। तो देखिएगा हमारा लीफ का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो लीफ का पैटर्न है वो डल चुका है। सेम हमने यही डालना है, अब पैटर्न को इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा जाली डाल के, एक सीधा जाली डाल के, एक सीधा, फिर पाँच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार और पाँच, फिर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा जाली डाल के, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाल के, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके। अब हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन और चार फंदे बचे हुए, इन्हें हम उल्टा बना देंगे। तो सेम अब आप यहाँ पे और यहाँ पे लीफ बनाएंगे, जो सेम मैंने आपको 12 रोज बताई हैं, यही आपने 24 रोज़ बनाते हुए जाना है। तो आपका पैटर्न जो है सामने स्क्रीन पे देखिएगा, कुछ इस तरीके से लुक देगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।